पहले कि आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत की टीम लगातार ग्राउंड पर इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखाते जो घाटी से सामने आई है, नजर आएंगे आपको पीछे घने जंगल, लेकिन हमारे जवान आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक चीज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं हमारे जवान तैनात है। देखिए संयुक्त ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप वहां पर पूरी तरह से तैनात है। और आपको नजर आएगा कि एक तो देखिए वहां पर रिपब्लिक भारत की टीम भी आपको नजर आ रही है, और इसके अलावा आपको यहां पर नजर आएगा कि जंगल घने, और बीच में जाकर आप फिलहाल वहां पर जो पुलिस है और इसके अलावा सेना लगातार देख रही है, कहीं कोई आतंकी तो छिपा नहीं है। आखिर क्यों आतंकी बौखला चुके हैं, सबसे बड़ा सवाल आपको बताते हैं। नंबर एक, घाटी से आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है, इसलिए आतंकी पूरी तरह से बौखला चुके हैं। नंबर दो, आतंकियों के हाइड आउट पर एक्शन लगातार जारी है, और इसके अलावा आतंकियों के बड़े लीडर का खात्मा हो रहा है, उनके बड़े बड़े जो आतंकी है उनको मारा जा रहा है, इसलिए बाकी जो आतंकी संगठन है वो बौखला चुके हैं। आतंकियों के मददगारों पर लगातार एक्शन हो रहा है, इसलिए भी आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकियों की दहशतगर्दी पर नकेल लगातार कसी जा रही है, ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा घाटी में शांति फैली हुई थी, लोकसभा चुनाव आपने देखा बखूबी अच्छे से हुए और लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट भी किया, इसलिए भी आतंकी परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, आतंकियों का आका पाकिस्तान परेशान है। आतंकियों की दहशतगर्दी पर नकेल लगातार कसी जा रही है, इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि अब आतंकी पूरी तरह से बौखला चुके हैं। और झारखंड की बात कर लेते हैं, जहां हेमंत सोरेन सरकार की शपथ ग्रहण समारोह से विवाद की तस्वीरें और विवाद की खबर। जहां हफीजुल जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा, इस अंदाज में शपथ ले की विवाद खड़ा हो गया, लेकिन क्या कहा उन्होंने और क्यों अब सियासत गरमा रही है, रिपोर्ट देखिए। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से अर्फ लेता हूँ। ये वीडियो झारखंड में हेमंत सरकार के कैबिनेट विस्तार का है। इस वीडियो में हेमंत कैबिनेट के एक मंत्री हफीजुल हसन अंसारी मंत्री पद की शपथ लेते दिख रहे हैं, लेकिन वो शपथ लेने से पहले कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, वो बिस्मिल्लाह का नाम ले रहे हैं। और अब हफीजुल हसन की इसी हरकत पर झारखंड में नया बवाल शुरू हो गया है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हफीजुल हसन। बीजेपी का आरोप है कि हफीजुल हसन का ये शपथ अमान्य है और संविधान के विरुद्ध है, इसलिए इसे फौरन खारिज किया जाए। बीजेपी का कहना है कि हफीजुल को नए सिरे से शपथ दिलाई जाए और तभी उन्हें मंत्री पद के रूप में कार्यभार सौंपा जाए। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और मुख्य सचेतक बीरेंजी नारायण ने इस बारे में बाकायदा राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने हफीजुल हसन अंसारी के शपथ ग्रहण का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए विपक्ष को अपने हमलावर तेवर दिखा दिए। उन्होंने सवालिया अंदाज में सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, क्या झारखंड राज्य में मंत्री ऐसे शपथ लेते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। राज्य के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वो हफीजुल हसन को कार्यभार ग्रहण न करने दें, क्योंकि ये शपथ अमान्य है और संविधान के विरुद्ध है। हैरानी ये है कि जिस वक्त मधुपुर के विधायक हफीजुल अंसारी शपथ ग्रहण कर रहे थे और शपथ ग्रहण से पहले कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, उस वक्त ना तो उन्हें किसी ने टोका और ना ही किसी ने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दी। विधायक हफीजुल मनमर्जी के मुताबिक शपथ ग्रहण की खानापूर्ति करके आराम से आगे बढ़ गए, जबकि उस वक्त वहाँ खुद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन विवाद सिर्फ शपथ ग्रहण को लेकर ही नहीं, हेमंत सरकार में नए नए मंत्री बने हफीजुल हसन अंसारी ने इसके बाद जो किया उसने बीजेपी नेताओं का गुस्सा और भी भड़का दिया। बीजेपी का आरोप है कि हफीजुल अंसारी ने वहां राष्ट्रगान का भी अपमान किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस समय राष्ट्रगान बज रहा था, वो अपने कपड़े ठीक कर रहे थे, मफलर ठीक कर रहे थे, ऐसा करके उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। और वो यही नहीं रुके, जिस समय वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कुछ धार्मिक पंक्तियां शपथ के पहले पढ़ी और उसके बाद बीच में भी उन धार्मिक पंक्तियों को रिपीट किया, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। और हम लोगों ने मांग की है राज्यपाल से कि इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। जाहिर है पहले से ही कई मुश्किलों और विवादों में फंसे झारखंड के नए सीएम हेमंत सोरेन फिर से अपने मंत्री के हरकतों को लेकर नए विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां सीधे तौर पर विपक्ष की नियत पर सवाल उठा रही है, तो वही बिस्मिल्लाह के नाम पर लिए गए शपथ के बाद बीजेपी को भी बैठे बिठाए एक नया मुद्दा थमा दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा
कि पहले कैबिनेट विस्तार के साथ ही विवादों में सीएम हेमंत इस सियासी संकट का सामना कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।